Welcome class 6. Today we will study our chapter first of political science, part 1, understanding diversity. Okay, diversity होती क्या है इस चीज को समझेंगे हम इस चैप्टर में. डाइवर्सिटी अगर हम मीनिंग देखें, हिंदी देखें, तो डाइवर्सिटी मींस होता है विभिन्नता. तो हम सबको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है ना. बहुत सारे डिफरेंस चीजें हैं हमारे यहाँ, और सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में. लैंग्वेजेस की बात करें, कल्चर्स की बात करें, ट्रेडिशनल्स की बात करें, कोई भी चीज, हर कोई, मैं, आप, हम में से हर कोई एक दूसरे से डिफरेंस है. कैसे डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस हुआ, इन्हीं सारी बातों को इस बार हम बात करेंगे. किसमें? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. पहले, सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है. डाइवर्सिटी द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज होती हैं. जस्ट सपोज कि अभी आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, है ना. आपके घर में एक मोबाइल है, दो है, तीन है. आप जितने भी मोबाइल उठाओगे सबके फीचर्स अलग होंगे, सबको देखने में सबका कलर भी शायद अलग होगा, है ना. सबके कैमरे भी कहीं किसी के ऊपर लगा है, किसी का मिड में लगा है, डिफरेंट है ना. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी. ओके, जैसे मार्कर ले लिया, बोर्ड ले लिया, हैंडराइटिंग ले ली हम लोगों ने, मेरी हैंडराइटिंग अलग है, आपकी अलग है, है ना. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी. द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की डिफरेंट वाइड जो वैरायटीज होती है उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं. अंडरस्टूड? चलिए, डाइवर्सिटी इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ रेसेस. डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ रेसेस. बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, अलग अलग रंग रूप के जो लोग होते हैं. एंड रिलीजियंस, और धर्म से भी, डिफरेंट धर्म. हमारे देश में ही बहुत सारे अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म है ना. तो रिलीजियंस दैट मेक अप अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो इकट्ठा होकर कोई ग्रुप बनाते हैं उनको भी हम डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं. अंडरस्टूड? दो चीजें आपको समझनी है. एक तो किसी भी चीज की, किसी भी थिंग की वाइड वैरायटी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, और डाइवर्सिटी हम उस जगह को भी, उस चीज को भी कहते हैं जिसमें रेसेस, रेसेस मतलब होता है स्किन का कलर, ठीक है. और रिलीजन, हम सबको पता है धर्म, इनको भी जो लोग ग्रुप में, अब जैसे हिंदू हूं मैं, तो मैं अकेले हिंदू तो नहीं हूं, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी कम्युनिटी है, एक बहुत बहुत सारे लोग हिंदू हैं. कोई सिख है तो कोई अकेला एक व्यक्ति तो सिख है नहीं, उसकी पूरी कम्युनिटी है ना, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको भी हम डाइवर्सिटी कहते हैं. अंडरस्टूड? चलिए, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में डाइवर्सिटी, आप कह सकते हो हर चीज में वैरायटी है. आप अपने लिए कपड़े लेने जाते हो तो आपको एक नहीं समझ में आता, किसी का कलर पसंद नहीं आता, किसी का जो स्टफ है वो पसंद नहीं आता, किसी का प्रिंट पसंद में नहीं आता, तो फाइनली आपको जो पसंद आता है वो चूज करते हो. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द वैरायटी इन क्लोथ्स, है ना, डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स. उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कपड़े मिल रहे हैं देखने को. तो ये सेम उसी चीज को हमने अप्लाई किया है अपने रिलीजन पे भी, धर्म पे भी, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. तो देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत तरीके की डाइवर्सिटीज होती हैं, उनमें से कुछ डाइवर्सिटीज जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. समथिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी जो इंडिया में है. सेकेंड, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारी जो लैंड है, जो जियोग्राफिकल हमारी जो इंडिया है वो उसमें कैसे डाइवर्सिटी है. कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, डिफरेंट है ना, हर चीज में अलग अलग है. कोई एक रिवर नहीं है, बहुत सारी रिवर है. कोई एक माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन है. तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इसमें आएगा. नेक्स्ट, लैंग्वेजेस या लैंग्वेज डाइवर्सिटी. हम, मैं हिंदी बोलती हूँ, कोई दूसरा है वो गुजराती बोलता है, कोई बंगाल का है वो बंगाली बोलता है ना, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं. तो हमारे पास हर स्टेट में, हर राज्य में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज डाइवर्सिटी.
कम टू द कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? संस्कृति में जो हम लोगों की विभिन्नताएं हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई और संस्कृति चलती है हिंदू में, जो मुस्लिम्स हैं उनके में कोई और संस्कृति चलती है, वो किसी और ट्रेडिशन या कल्चर को फॉलो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कल्चरल डाइवर्सिटी. आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धर्म के अनुसार, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पूजा होती है या हम जब पूजा करते हैं तो हम टेम्पल में जाते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिलीजियस डाइवर्सिटी, अपने धर्म की विभिन्नता. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी. ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी क्या होता है? जब बहुत पुराने समय की बात करें तो ऑक्यूपेशन मीन्स होता है हमारा बिजनेस, है ना, कोई भी बिजनेस, ट्रेड, जॉब, जो भी हम करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. ये कैसे होता है? जब बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों को उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कोई ब्राह्मण है तो उनका काम, चाहे वो उनका उनको अच्छा लगे या ना लगे, उनका काम होता था अपने ऑक्यूपेशन को संभालना. उनका ऑक्यूपेशन क्या था ब्राह्मण का? आपको मंदिर संभालना है, ठीक है, आपको किसी के घर में पूजा पाठ होनी है, आपको वो करनी है, मतलब, और या फिर आपको वेद पुराण इन सबको आपको पढ़ना है और लोगों को शिक्षा देनी है. ये काम किसका था? ब्राह्मण कम्युनिटी का. तो जो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी है पुराने जमाने में वो कैसे होती थी? बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम. लेकिन आज के टाइम पे कैसे है? आज अलग तीन प्रायोरिटीज पे है, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी रीड दिस वन डिफरेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डाइवर्सिटी इन इंडिया. अगर हम डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें तो इनको यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं. ओके, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट को. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन इंडिया. तो किन पॉइंट्स पे डाइवर्सिटी इन इंडिया में है? जैसे स्नोई माउंटेन्स, सेकेंड क्या हो सकती है? कोल्ड वैलीज. थर्ड क्या हो सकती है? डिफरेंट क्लाइमेट. नेक्स्ट क्या हो सकता है? डिफरेंट लैंड. ओके, तो ये चीजें हैं जो हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट है. क्या है? स्नोई माउंटेन्स भी है हमारे पास, कोल्ड वैलीज भी है, डिफरेंट क्लाइमेट्स भी है. आप जब कोस्टल एरियाज में जाते हो वहां पे मॉडरेट है, जब आप राजस्थान में जाते हो वहां पे हॉट क्लाइमेट रहता है, जब आप जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में जाते हो तब आपको वहां कोल्ड क्लाइमेट मिलता है. तो कैसे कैसे क्लाइमेट है? डिफरेंट क्लाइमेट. डिफरेंट लैंड इन द पॉस्चर की, जैसे वो बनावट में डिफरेंट है, कहीं पे माउंटेन्स है, वैली है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ग्रास लैंड है, कहीं पे फॉरेस्ट है. तो इस तरीके से डाइवर्सिटी इन इंडिया को हम काउंट करते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. सिमिलर आपकी डाइवर्सिटी इन इंडिया से ही सिमिलर है. इसमें आएगा पहला लैंड्स, सेकेंड रिवर्स, माउंटेन्स, पॉन्ड्स. और क्या आ सकता है ज्योग्राफिकल में? माउंटेन, पॉन्ड्स, प्लेट्यूज और रिवर, लैंड, पॉन्ड्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, डिफरेंट जितने भी हमारे प्लेन्स भी आ सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज क्या है? जियोग्राफिकल. जो भी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनकी उनके अंदर जितनी डाइवर्सिटीज हैं उनको हम इस ग्रुप में डालेंगे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. कौन कौन से हुए? लैंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड्स, रिवर्स, डिफरेंट हर रिवर की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, उसके पानी में जितने मिनरल्स मिलते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. माउंटेन्स अलग अलग रेंज के हैं, अलग अलग जगह पे हैं, से विंध्याचल रेंज है हमारी, हिमालयन रेंज है, तो माउंटेन्स डिफरेंट है. पॉन्ड्स अलग अलग तरीके के, इस जगह के अकॉर्डिंग हमारे पॉन्ड्स अलग होते हैं. प्लेट्यूज, हर जितने भी मोस्टली जितने हमारे डेक्कन एरिया है वहां पे हमें प्लेट्यूज मिलते हैं. एंड प्लेन्स,
गैंगेटिक मेन जो हमारा मेन प्लेन है वो क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स। तो ये था जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। थर्ड इज कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, क्योंकि लैंग्वेज लास्ट में करेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल 22 लैंग्वेजेस की बात करेंगे, तो उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। सो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड दिस वन, एंड थर्ड हो गया कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में आ जाता है हमारा ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट हो जाता है हमारा लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। थर्ड हो जाता है रिलीजन। फोर्थ रिचुअल्स। फिफ्थ फेस्टिवल्स। सिक्स्थ फेथ्स। तो ये आते हैं हमारे कल्चरल डाइवर्सिटीज में, संस्कृति से संबंधित ह्यूमन लाइफ, हमारे रहने का जो तरीका होता है ना, ह्यूमन की लाइफ, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर हम डेक्कन में रहते हैं, अगर हम साउथ में रहते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या हम सिक्किम में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो जिस प्लेस पे हम रहते हैं हमारी लाइफ ह्यूमन लाइफ उसी के अकॉर्डिंग होती है। वहां पे जो चीजें ज्यादा मात्रा में मिलती हैं हम उनका यूज ज्यादा करते हैं, हम एग्रीकल्चर उन्हीं बेस पे करते हैं, जो चीजें वहां जैसी लैंड होती है, जैसा पानी मिलता है, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोगों ने जो चेरापूंजी है उसका नाम सुना है ना, तो चेरापूंजी में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, मासन राम करके है वहां पर, तो वहां पे बोलते हैं कि 12 बजे तक ना, हर रोज दोपहर के 12 बजे के बाद वहां पे बारिश होती है कंटिन्यूअसली। तो उससे वहां के जो लोग हैं, वहां के जो ऑफिसेज हैं, वहां के जो स्कूल हैं, वो क्या होते हैं, लगभग 12 बजे से पहले ही ऑफ कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है 12 बजे के बाद बारिश होगी, और कितनी लंबी चलेगी ये किसी को नहीं पता। तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारे रहन सहन पे, जैसे हम जिस पार्ट में रहते हैं वहां के लिए। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, सेम वही चीजें, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन। जैसे आपने सुना, हम लोग जब फर्स्ट सेकंड क्लास में हम पढ़ते थे ना, कि पंजाब के लोग छोले भटूरे खाते हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग, जम्मू कश्मीर वाले राजमा राइस खाते हैं, बंगाल में फिश करी खाई जाती है ना, साउथ इंडियन इडली सांभर खाते हैं। तो ये क्या है, उनका लाइफ स्टाइल का तरीका है, वहां पे वो चीजें ज्यादा अवेलेबल है, वो उन चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में। ओके, आता है रिलीजन की बारी। हम सबको पता है हमारे इंडिया में इतने ज्यादा अटैक हुए हैं, और हर बार अटैक जो बाहरी पावर्स थे उन्होंने किया, और उन्होंने जब भी आया उन्होंने अपना एक रिलीजन हमारे पास छोड़ गए। जैसे मुगल्स आए तो उन्होंने मुस्लिम धर्म हमारे पास छोड़ दिया, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्रिश्चियनिटी हमारे पास छोड़ दी, पर्शियन आए उन्होंने वो पारसी धर्म अपनाया उनसे लोगों ने, तो बहुत सारे डिफरेंट धर्म हमारे पास हो गए। जब धर्म अलग हो गए तो लोगों की सोच भी अलग हो गई, लोगों का कल्चर भी अलग हो गया। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में होता है कि जब शादी होती है तो हम लोग जो दुल्हन होती है वो रेड पहनती है, आप सबने देखा है ये चीज अपने है ना आसपास में, कि रेड पिंक ऐसे कलर पहनते हैं, जबकि जो साउथ इंडियंस होते हैं वो कैसे पहनते हैं, वो व्हाइट कलर क्रीम कलर पहनते हैं। तो ये क्या है, ये उनके रिलीजन से या उनके लाइफ स्टाइल से डिफरेंट है। रिचुअल्स, आप कैसे धर्म को अपने फॉलो करते हो, रिचुअल्स किन चीजों को मानते हो। धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हमें किचन में स्लीपर्स पहन के नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ना, भगवान के पास जाना है मंदिर में तो हमें नहा के जाना चाहिए, ये क्या है, रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। फेस्टिवल्स, ये तो हम सबको पता है, हिंदू के लिए दिवाली होली है, मुस्लिम्स के लिए बकरीद है, ईद है, और सिख के लिए गुरु पर्व है, तो डिफरेंट जो फेस्टिवल्स है वो भी उनके कल्चर के साथ ही डिपेंड करते हैं। फेथ्स, लोगों के विश्वास भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हम लोगों में, हिंदुओं में मानते हैं या हम इंडिया में मानते हैं कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या हो जाता है, वो हम सोचते हैं वो काम या तो हमारा खराब हो जाएगा और या तो हम उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, ऐसे फेथ बनाए हुए हैं हमने। जबकि चाइना में लोग इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं, बोलते हैं अगर बिल्ली क्रॉस करके गई तो वो काम आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फेथ्स हो गए हमारे, हमारे जैसा विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको दिया, हम वही चीज आगे वाली जनरेशन को देते जाते हैं। तो ये यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी आपकी
फिनिश होती है। इन तीन टॉपिक्स को हमने इस पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया और नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स को रिलीजियस लैंग्वेज और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक रीड करिए, प्रॉपर इन सारे जो फैक्ट्स हैं इनको समझने की कोशिश करिए वन बाय वन और डेफिनेशन जरूर लर्न करिए डाइवर्सिटी की। ओके, तब तक के लिए बाय, रीडिंग करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।